चलिए चलते हैं भंडारा खाने। आप कितने दूर से आए हो? मैं चांदनी चौक से आए। चांदनी चौक से आ आए भाइयों, हम आए कालकाजी मंदिर पे। यहाँ पे आज नवरात्रे का लास्ट दिन है। यहाँ पे आपने पूजा देख ली है। यहाँ पे अभी 12 बजे भंडारा लगने वाला है। चाचा नाम क्या आपका? मेरा महेश कश्यप। महेश कश्यप, कितने साल से बना रहे हो? कम से कम 15-16 साल से। 15-16 साल से माता की कृपा आपके पास? बिल्कुल। आपका नाम क्या है चाचा? दिनेश। दिनेश, आप कितने साल से बना रहे हो? मैं इसको बना रहा हूँ 20 साल। 20 साल से? हाँ जी। मुझे बताइए कि भाई ऐसी क्या सब्जी, जो नॉर्मल हम सब्जी बनाते हैं ना, ये घर पे सेम टेस्ट नहीं आता? ऐसी नहीं बनाते। बिल्कुल नहीं आता अच्छा टेस्ट। ऐसे क्या खास डालते उसके अंदर कि ऐसा टेस्ट आता है? कुछ नहीं, इसीलिए तो हमारा भाई है। अच्छा, अगर ऐसे ही बताया जाए तो फिर तो तुम बना ना सकते। बिल्कुल वाली सब्जी है। अच्छा, ये बीज का जो छिलका उतार देंगे तो इसको स्वाद नहीं रहेगा। अच्छा, अगर आप छिलका उतार के घर में ही बनाओगे तब भी स्वाद नहीं रहेगा, आप छिलका भी लगाओगे तब भी स्वाद नहीं रहेगा। अच्छा, और जो हम क्या करते हैं, छिलका लगा के इसको बॉइल करके हल्दी मिर्चा लगा के तब सब्जी में स्वाद आता। अच्छा, राधे राधे। ठीक है, चलिए चलते हैं भंडारा खाने। भाइयों, हम आए कालकाजी मंदिर पे। यहाँ पे आज नवरात्रे का लास्ट दिन है। यहाँ पे आपने पूजा देख ली है। यहाँ पे अभी 12 बजे भंडारा लगने वाला है। तो यहाँ पे बड़ी मान्यता है कालकाजी मंदिर पे। 3000 साल पुराना ये मंदिर है। यहाँ पे हमने पहले तो पूजा की और महाभारत के टाइम से चलता हुआ है। 3000 साल पुराना मतलब आपका सत्ययुग के आसपास का मंदिर है ये। ये दुर्गा माँ की जीत होती है ना, महासिसुरा एक वो थे, असुर थे, उनसे उनकी पर जीत होती है ना, इसलिए उनकी जो सेलिब्रेशन था वो तो बुराई पे अच्छाई की जीत, उसके लिए बनाया जाता है ना। बेसिकली ये था कि राहुल भाई और मैं आ रखे थे मंदिर का, मंदिर भाई ने और मैंने दर्शन कर लिए। अच्छा खासा क्राउड हो रखा है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको भाई की, क्योंकि नवरात्रा स्पेशल चल रहा है भाई। इसमें वीआईपी कल्चर नहीं है आपका कि भाई आपने अलग से आपको लाइन लगी, इतनी खचाखच भीड़ हो रखी है ना। हाँ। और ये किसी के वो नहीं है भाई कि आप स्पेशल आ रहे हो, आपके अलग लाइन लगेगी। इतना खचाखच भीड़ हो रखी है ना, आपको वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है। लेकिन बड़ी मुश्किल से आपको, अगर आप लाइन में लगे रहे, आपको बड़ी मुश्किल से आपको आपको दर्शन मिल जाएंगे काली माता जी के। और लेकिन हम भी कम भी 1.5 घंटे खड़े रहे, आराम से 1.5 घंटे खड़े रहे, उसके बाद में मिला। अब थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आए और फटाफट काम हो गया। माता के दर्शन करने आ रखे हैं और भाई यहाँ क्राउड, मैं आपको क्राउड दिखा दूंगा भाई। लोग इतनी दूर दूर से आ रखे ना मेरी जान, दिल्ली छोड़ दो, लोग एक आधा लोगों से मैंने पूछा, कोई कह रहा भाई पंजाब से आ रखा हूँ, कोई कह रहा है कि भाई नोएडा से आ रखा हूँ, कोई कह रहा है फरीदाबाद से आ रखा हूँ। ठीक है यार, माता का आस्था है तो लोगों को आना चाहिए। और स्पेशली हम किस लिए आ रखे हैं ना, वो राहुल भाई के साथ मैंने बोला था कि भाई यार माता के दर्शन पे आज हम लोग खाएंगे भंडारा। भंडारा खाने का तो यार अलग टेस्ट है। मैंने जो आप बनाते हैं ना, जो आप हेड शेफ जो बना रहे हैं, उनसे मैंने पूछा कि आप ना भंडारे के आलू ऐसा क्या डाल दो कि घर पे सब्जी ऐसी नहीं बनती, तो कह रहे भाई हमारे ट्रेड सीक्रेट है, हम 20 साल से बना रहे, आप नहीं बताएंगे। तो भाई वो वाली बात हो गई ना कि आप देखो मम्मी लोग घर पे बनाती है सब्जी, यही वाला आलू वाला, पर इतना स्वाद नहीं आता। इस वाले साज इस वाली सब्जी में इसलिए स्वाद आता है कि कह लो भाई माता का प्रसाद होता है या माता का कह लो आशीर्वाद होता है।
और यहाँ जो टाइमिंग बताई गई भंडारे की वो है 11:30 के आसपास चालू हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि अगर भाई आप लोगों के पास टाइम है ना तो नवरात्रे में जरूर एक बार आओ, आप रात में भी आ सकते हो, मोस्ट वेलकम है। टाइमिंग जो रहती है इसकी सुबह 4 या 6 बजे के आसपास चालू हो जाता है और रात के 12 बजे तक चलता है। बीच में आधे घंटे के लिए भोग लगता है तो उस समय भाई बंद हो जाता है, तो उस समय थोड़ा सा आप भी कष्ट उठा लेना। और बेसिकली हमारा पर्पज था कि राहुल भाई और मैं जो है भंडारा खाएंगे और भंडारा खा के आपको बताएंगे कि किस तरीके का प्रसाद ही खाएंगे भाई, पूरे पेट भर के निकालना है हमें, ऐसा प्रसाद खाना है। प्रसाद भी जब मंदिर आते हैं तो प्रसाद लेके जाते हैं, ऐसे ज्यादा थोड़ा भंडारा खा के जाना है। और आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कन्वेंस है आराम से। साउथ दिल्ली में कालका जी मेट्रो स्टेशन का भाई स्पेशली पे ना मेट्रो का गेट बन रखा है, 1 नंबर से उतरो 2 नंबर से उतरो 3 नंबर से और 4 नंबर से। और बाकी आप लोग समझदार है ही भाई, गूगल चल रहा है आप लोगों के मैप, तो आप लोग डाल के देख सकते हो कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, वो चीज़ हम बताएंगे नहीं। और यहाँ पे ना आपको बहुत बड़ा यहाँ पे मेला लगा रखा है लोगों ने, मतलब बहुत सारी दुकानें हैं, आपको एक एक करके दिखाता हूँ, बिल्कुल खचा खच भरा हुआ है। हाँ, अगर आपको मन नहीं है ना कि भंडारा के अलावा मैंने कुछ, कई बार राहुल भाई जैसे मूडी आदमी कहते हैं भाई हम मंदिर का दर्शन तो करने आ रखे, अब हमें मन है भाई छोले भटूरे खाने का, तो मेरे भाई नाराज नहीं हो ना, आपको दुकान मिल जाएगी। फिर कोई बोलेगा कि नहीं भाई हमें तो अब ब्रेड पकौड़ा खाना है, भाई ब्रेड पकौड़ा की भी सुविधा है, आपको दिक्कत नहीं है, यहाँ इतने सारे स्टॉल लगा रखे हैं राहुल भाई। बिल्कुल, वैसे यहाँ पे मंदिर की शॉपिंग के लिए ज्यादा लगा रखे, एक बार वो देखते हैं। आ जाओ भाई, देखो गरम गरम आपके भटूरे बना रहे हो, ये देखो फिर आपका, आपको कुछ माला वगैरह लेनी हो, कुछ चढ़ाने के लिए ना, कुछ मतलब लड़कियों के श्रृंगार वगैरह के सामान यहाँ पे काफ़ी है, माता की चुनरी वगैरह आपको लेने हो, प्रसाद वगैरह, और फिर से वही छोले भटूरे। नारियल वगैरह आपको लेने हो, बहुत बहुत दूर तक है भाई ये, सीधा चलते ही चले जाओ, देखो अगर आपके सामने दिख रहा हो तो। अगर आपको गाय वगैरह लेनी है, नारियल वगैरह, आपको कलर वगैरह लेना है, गन्ने का जूस वगैरह लेना है, आपको मूर्तियां वगैरह हैं यहाँ पे बहुत सारी। और ये लाइन वहां से जहां से मैं चलते हुए आ रहा हूँ ना, जहां से मैं चलते हुए आ रहा हूँ लाइन वहां से लगेगी और यहाँ तक एंड तक, जहां तक मैं चलूंगा ना वहां तक लगेगी। अभी लगनी स्टार्ट होने वाली थी, बीच में उन्होंने मना कर दिया कि यार हम 12 बजे के आसपास भंडारा लगाने वाले हैं और उसके बाद फिर लाइन लगती स्टार्ट होगी, आपके सामने लाइन दिखाऊंगा। देखो अगर आपको लग रहा है कि भाई नंगे पैर जाना आपको मंदिर के अंदर, क्योंकि नंगे पैर जाना पड़ेगा, तो शूज का रैग भी यहाँ पे लगाने के लिए। बाय, दर्शन करने के लिए लाइन अगर आपको ऊपर से दिख रही हो, यहाँ से जाते हुए दर्शन, यहाँ से जाते हुए किनारे तक पूरी लाइन दर्शन के लिए लोगों के लिए शरणार्थियों के लिए लगी हुई है। ले लो एक प्लेट, ले भी लो, ले लो, दे देंगे। हाँ हाँ एक प्लेट हमें भी चाहिए, ले लो। बस 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 थोड़ा सा डाल दो, डाल दो, डाल दो। तुम्हारे लिए सब्जी मैंने ले ली थोड़ी सी ज्यादा, मालिक हलवा दे दो, दो ही ले रहा हूँ पाजी पूरी, एक और दे दो भाई।
हलवा भी ले लेते हैं। आपने खा लिया भंडारा? कौन सी? सारे भंडारा। कैसा लग रहा है? आगे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? कैसा लग रहा है स्वागत? माता के दर्शन कर लिए? अंदर भीड़ हो रही है? नहीं हो रही? ठीक है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको क्या बोलोगे आप लोग? अच्छा लाइन में लगना पड़ेगा ना, लेकिन अब जाना भी लाइन से चाहिए ना। वीआईपी एंट्री तो अच्छी बात नहीं है, माता के दर्शन करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा तो पैर में कष्ट देना पड़ेगा ना। बाकी आप लोग फैमिली के साथ आ रखे हो? अच्छा, हंगरी मी के नाम से है? हंगरी मी, हंगरी मी। तो भाई अब आपको टेस्ट करके बताता हूँ। भाई इतनी देर हम भी लाइन में लग गए, धूप में खड़े थे, पूरा प्रोसेस दिखा दिया राहुल भाई ने। अब स्वाद भी तो लेके प्रसाद का पता चले किस तरीके का हो रहा है। भाई अच्छा हो रहा है, देखो भंडारा है तो भंडारे में पूरी और सब्जी गर्म भी मिलती है, थोड़ा ठंडा ही मिलता है। पूरी हमारी गर्म है, सब्जी ठंडी है, जो बात में है वो मैंने सच बता दिया। बाकी हलवा भाई, बाकी हलवा दे रखा, हलवे में जो चने का कॉम्बिनेशन है वो देखो कितना अच्छा डाल रखा है भाई ने। और लोगों से बातचीत करो, लोग वो एकदम खुशहाल हो रखे हैं। लोगों ने बताया कि भाई अगर आप दर्शन करने आ रखे हो तो थोड़ा सा टाइम दो। बाकी एक बाइट और लेते हैं, इसके बाद टेस्ट करके आपको अच्छे से बताऊँ। सब्जी जो है ना भाई एकदम लाजवाब, घर में जो सब्जी होती है ना उस सब्जी का मुकाबला ही, भंडारे की सब्जी का कोई मुकाबला ही नहीं होता भाई, एकदम बढ़िया सा बनता है। ये सुबह बनना चालू हो गया, तो भाई से जो बात करी थी और पूरा बन के तैयार हो गया। बाकी क्राउड देख सकते हो लोगों को खाने के लिए, ऐसा नहीं कि भाई फ्री में खिला रहे हैं तो जबरदस्ती के लोग आ गए। एक होता है ना कि माता का भंडारा भी एक तरीके से प्रसाद कह लीजिए, प्रसाद है, लोग प्रसाद खा रहे हैं और आराम से आप देख सकते हो क्राउड को किस तरीके से लोग खा के आराम से एंजॉय कर रहे हैं। भाजी कैसा स्वाद लग रहा है, स्वाद बता दो थोड़ा सा। भाई बहुत धूप में खड़े थे इसलिए भाई टेस्ट मेरे को अच्छा लग रहा है इस चीज का। भाई थोड़ा सा पूरी थोड़ी सूख गई है क्योंकि हमने भाई इतने टाइम से पहले लोगों को रिकॉर्ड कर लिया, उनसे पूछा तो इतने में थोड़ी सूख गई रूप है। बाकी स्वाद कैसा लग रहा है, स्वाद बताओ। सब्जी ए नंबर है भाई, सब्जी दस में दस है। पूरी थोड़ा सा कम हो गई, थोड़ी सख्त सी हो गई ना, टाइट सी हो गई है, थोड़ा खींची रबड़ की तरह खींची है, लेकिन मैं तो प्रसाद समझ के खा लिया। मुझे तो अच्छा लगा, हलवा भी अच्छा लगा भाई, किसमें से उसमें डाल रखा है, कहाँ घर में किसमें से उसमें, कभी कभार डालते हैं नहीं भी डालते हैं, लेकिन देखो भाई भंडारा हो रहा है, जबकि भंडारे में सोचो किसमें भी डाल रखा है तो भाई अच्छी बात है। खाने पिलाने वाले लोग हैं हमारे, सब्जी ऐसी वाली घर पे बनने लग गया तो भाई अलग ही मजा आ जाए भाई, बनने लगेगी ये वाली वीडियो, अपनी मम्मी को भी दिखाना। मम्मी लात मार रही जी, जो घर पे बना रखी है ना उसे खा ले, पापा की तेरी ख्वाहिश पूरी करो। मतलब कहने का लाइसेंस हमारा कट जाएगा कि भैया एक तो आपको घर पे बैठ के खिला भी रहे हैं, ऊपर से आपकी सलाह भी मान रहे हैं, फिर आप हमें ज्ञान दे रहे हो कि जो घर पे बनता है वो बढ़िया बनता है। आज तक पापा की तो चली नहीं, हमारी कहाँ से चल जाएगी जी। आप कितने दूर से आए हो? मैं चांदनी चौक से आए। चांदनी चौक से आए भाई? हमने खा लिया भंडारा, काफी टेस्टी था, थोड़ा सा क्या नाम है पूरी थोड़ी सी सूखी थी, लेकिन भंडारा भाई प्रसाद के हिसाब से बहुत बढ़िया है। आप भी आओ, कालका जी मंदिर आ रहे हो तो भाई सब जरूर आना, कालका जी मंदिर के दर्शन जरूर करके जाना, और हम वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई, जितने भी शरणार्थी है भाई जिनको आना है, आपको लगता है भाई इनको आना चाहिए, आपको जिनके साथ आना है उनको भी टैग कर देना कि भाई आओ या वो भंडारा खाओ और आपको मंदिर के जरूर दर्शन करके जाना। फिर मिलते हैं दोस्तों आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।